उस व्यक्ति का एक नियम था, सत्संग सुनने के बाद में इमली के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता, ध्यान लगाता। अब आप ही बताइए, इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके कोई ध्यान लगा सकता है? बोला नहीं लगा सकता। फिर से प्रश्न पूछता है महाराज जी, और कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। तो बोले जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बरस तो भगवान का भजन कर, भगवान हमेशा के लिए तेरे हो जाएंगे। फिर भ्रमित हो गया। अब जिस पेड़ के नीचे बैठा है वो इमली का पेड़ है, और इमली के पेड़ में इतने पत्ते, इतने दिन मैं भगवान का भजन करूं तो इतने दिन क्या मैं जी पाऊंगा? तो बस भैया, अब प्रश्न और उत्तर बंद कर और सीधा कर्म कर, क्योंकि कर्म करेगा तो तुझे भगवान मिलेंगे। केवल प्रश्न उत्तर में उलझा रहेगा तो भगवान ना तुझे मिलेंगे ना मुझे मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि विवेक कब जाता है, जब हम किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाते हैं, किसी अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तब हमारा विवेक जागता है, बुद्धि जागती है, समझ आती है कि हमें आगे क्या करना है हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए। तो आज बाबा जी गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा। बाबा जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। Ram Siya Ram Siya Ram Siya Ram 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 Binu satsang vivek na hoi, Ram krupa binu sulabh na soi। सत्संग को सुनने के लिए भी पुण्य लगता है, भाग्य लगता है। सत्संग में आप यूं ही नहीं जा सकते, भगवान के मंदिर की पेड़ी आप यूं ही नहीं चढ़ सकते, बहुत मुश्किल है ये। अगर रोज आपको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, रोज आपको सत्संग का सानिध्य मिल रहा है, तो आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। वरना देखो संसार में कितने लोग घूम रहे हैं, किसी को परमात्मा से और सत्संग से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। विवेक आत्मा का पुत्र कहा गया है, और जिसकी आत्मा में परमात्मा का वास होता है उसी के विवेक में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, और जिसको सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है उसी की बुद्धि में भक्ति का प्रवेश होता है, और जिसकी बुद्धि में भक्ति का प्रवेश होता है उसी को शांति का अनुभव होता है, और जिसको शांति का अनुभव होता है वही प्रेमी बनता है, और जो प्रेमी बनता है उसी को प्रेम लीला करने वाला, रास लीला करने वाला, रस माधुरी परमात्मा का संग प्राप्त होता है। जो प्रेमी है उसी को भगवान मिलता है। तो प्रेमी कब बनेंगे? जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग की बड़ी महिमा गाई है शास्त्र में परमात्मा ने। एक बार जनक महाराज के राजसभा में घूमते घूमते याज्ञवल्क ऋषि पधारे। अब जब याज्ञवल्क ऋषि जनक सभा में आए तो सब ने उठ करके उनका स्वागत किया, बहुत वंदन किया, और सोने के सिंहासन पर मुनि को विराजमान किया गया। जनक महाराज उनके श्री चरणों में बैठ गए और चरणों की वंदना कर रहे हैं, चरण धुला रहे हैं, चरण पखार रहे हैं, शुद्ध जल से धुला रहे हैं चरण, कभी पंचामृत से धुला रहे हैं। और कहा, महात्मन आप हमारे राज्य में पधारे, हमें बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, आप बहुत बड़े प्रकांड ज्योतिष के ज्ञाता हैं, मेरे मन में एक प्रश्न जागा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पूछूं। जनक महाराज के मुख से ये शब्द सुना तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हाँ वत्स, तुम जो भी पूछना चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो। और जनक महाराज ने बड़े ही शालीनता से मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके पूछा, बोले भगवान मुझे मेरा आज तो पता है, मेरा कल भी पता है,
लेकिन मुझे मेरा भूतकाल पता नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था। तब याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे, महाराज आज की चिंता करो, कल की चिंता करो, पिछले जन्म की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे पिछले जन्म में तुम क्या थे, क्या करके आए हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उस बात से। तुम तो आज की चिंता करो, भविष्य की करो, पीछे क्यों जा रहे हो? नहीं महात्मन, मैंने आपके ज्ञान के चर्चे बहुत सुने हैं और मैं उस ज्ञान के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। बस बड़ी जिज्ञासा है, बता दीजिए, मैं आपके श्री चरणों में वंदन कर रहा हूँ। अब ऋषि ने बहुत समझाया, बोले पिछले जन्म के बारे में जानेगा तो दुखी हो जाएगा, मत पूछ। लेकिन मन में जो जिज्ञासा लगी थी जानने की, वो बहुत उमड़ उमड़ करके प्रश्न उपजा रही थी मन में, तो उस उत्तेजना को शांत करने के लिए आज याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े। बोले राजन ध्यान से सुन, पिछले जन्म में भी तू राजा की था, चक्रवर्ती सम्राट था, बहुत बड़ा वैभव था तेरे पास, लेकिन जब लेकिन शब्द आया तो मन में फिर प्रश्न जागा, लेकिन क्या? लेकिन जो इस जन्म में तेरी धर्म पत्नी है वो पिछले जन्म में तेरी माता थी रे। जब ये बात सुनी कि जो इस जन्म में तेरी धर्म पत्नी है वो पिछले जन्म में तेरी माँ थी, तो बस ये बात सुनते ही हाथों से संसार छूट गया, मन में वैराग्य आ गया, सब कुछ हाथों से छिन गया। जब ये जाना कि आज जो भविष्य में मेरी पत्नी है वो पिछले जन्म में मेरी माँ थी, मेरी जननी थी, अब इसके साथ में मैं संसार कैसे करूँ, सब कुछ छूट गया। हाथ जोड़ करके दंडवत सदगुरु को प्रणाम कर रहे हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि पिछले जन्म की बात मत कर, जो दिया है उसे परमात्मा का प्रसाद मान करके स्वीकार कर, आगे बढ़ कर्म कर, लेकिन तुमने नहीं माना। अब देखो सब कुछ लुट गया ना, सब कुछ छिन गया तुम्हारे हाथों से। तो जनक महाराज ने कहा, ये भी हरि की इच्छा है, वो भी हरि की इच्छा थी, परमात्मा की जैसी इच्छा होगी मैं उसी प्रकार का कर्म करूंगा, क्योंकि कर्म ही इंसान को पूजनीय बनाता है और कर्म ही इंसान को नीचे ले जाता है। इसीलिए किसी ने कहा, कर्म ही ईश्वर, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म न दूजा। जो मानव के काम में आए, जो इंसान के काम में आए, ऐसा धर्म न दो जा। कर्म ही ईश्वर, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म न दो जा। जो प्राणी के काम में आए, जो मानव के काम में आए, ऐसा धर्म न दो कर्म ही ईश्वर, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म न दो जा। कर्म ही ईश्वर, कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म न दो जा। कर्म से बढ़कर धर्म न दो जा। सच्चिदानंद भगवान की कर्म की गाथा को जिसने जान लिया, कर्म को जिसने पहचान लिया और सत्यता का मार्ग अपना करके जो सच्चाई से जिसने अपने जीवन का उत्थान किया, अच्छे कार्य किए, वो भगवान बन गया। भगवान बनना अपने हाथ में है,
जब मनुष्य के कार्य कर्म महान हो जाते हैं तो वो भगवान बन जाता है, और जब मनुष्य के कर्म नीच हो जाते हैं तो वो राक्षस बन जाता है। हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे, किसी का अधिकार छीनो मत और अपना अधिकार छोड़ो मत। बस ये दो चीजें जिसकी समझ में आ गई तो वो कर्म की व्याख्या को जान लेता है। आज सूर्य जी महाराज कह रहे हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटि भक्त्या हरि जपे। इसका मतलब है, आप संसार के हर काम को छोड़ करके सबसे पहले हरि का भजन करो। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठ करके सबसे पहले घर का कचरा साफ करते हैं, घर का कचरा साफ करने के बाद फिर हम स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद फिर हम चाय पीते हैं, फिर चाय पीने के बाद हम भगवान की पूजा करते हैं, बराबर। यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं, 100 काम छोड़ करके आप स्नान करो, 100 काम छोड़ करके सबसे पहले नहा लो, 1000 काम छोड़ करके आप भगवान का भजन कर लो, और 1,00,000 काम छोड़ करके आप भोजन कर लो। क्यों? अब आप कहोगे कि 1,00,000 काम छोड़ करके भोजन कर रहे दीदी, आप गलत बोल रहे हो। कलयुग की ये परिभाषा है, ये सत्ययुग नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग में अगर आप भूखे पेट भगवान का भजन करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है, शरीर सबसे बड़ा खजाना है भगवान के द्वारा दिया हुआ मानव को। मानव तन जो है ये बहुत बड़ा खजाना है, जब तक ये स्वस्थ नहीं रहेगा आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए इस शरीर रूपी खजाने को, शरीर रूपी संपत्ति को अगर स्वस्थ रखना है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे काम लेना है। आत्मा तो अमर है, अजर है, लेकिन आत्मा को जो ये चोला मिला है शरीर रूपी मानव पिंड, इसको स्वस्थ रखेंगे नहीं तब तक भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, और भूखे पेट तो भजन होता ही नहीं है। आज पेट को भरने के लिए हमने भजन भुला दिया है। दोनों परिस्थितियां मानव के विपरीत चल रही है। पहले लोग साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे, भूखे पेट हजारों दिन रह लेते थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। वैसे आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से तपस्वी हैं, बहुत से साधक हैं ऐसे जो कठिन साधना करके आज भी भूख प्यास से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करते हैं, और भगवान के भजन में जिसकी तल्लीनता और मन की वासना लग जाती है फिर उसको भूख और प्यास कभी सताती नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान। करागरे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और अपने जीवन का उद्धार करने के लिए ध्यान लगाओ। आप जितने भी बजे उठो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त किसको कहा? ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा है 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय देवी देवता स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए उस मुहूर्त को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। और 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद में 5 से 6 बजे तक का जो मुहूर्त है उसको अमृत मुहूर्त कहा गया, अमृत वेला। उसमें साधु महात्मा संत फकीर सब स्नान करते हैं। फिर 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है उसमें हम जैसे संसारी लोग, सामान्य लोग स्नान करते हैं, और 7 के बाद का जो समय है वो है दानवों का समय, राक्षसों का समय। अब एज यू लाइक, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर छोड़, आपको कब स्नान करना है, कब भगवान का नाम लेना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। अपने हाथों का दर्शन इसलिए करें क्योंकि हम दिन रात इन्हीं हाथों से अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, इन्हीं हाथों से हम हर प्रकार का कार्य
कार्य करते हैं, इसलिए सुबह उठकर के सबसे पहले हाथों का दर्शन करें, उसके बाद में भूमि देवी को प्रणाम करें और फिर हमारे घर का परिवार का सारा कार्य करें। लेकिन हर कार्य को करते हुए केवल परमात्मा का नाम ही अंकित करें और आगे बढ़ें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब आजकल क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं तो कर दर्शन तो कोई कर नहीं पाता है, कप दर्शन जरूर करता है। चाय के कप का दर्शन, कॉफी के कप का दर्शन और भी बहुत सी चीजें हैं जो सुबह सुबह बहुत से लोगों को लगती है। अब हम क्या बताएं, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझा तो दुनिया की नजर में वो ना समझ। परमात्मा कह रहे हैं कि घर के कामों को करने के बाद में कभी भी मेरे नाम की माला मत जपो, सारे घर के काम को आप एक तरफ रखो और सबसे पहले मेरा नामस्मरण करो, क्योंकि जिसने बनाया है, जो खिला रहा है, अगर उसके नाम की ताली नहीं बजाएंगे तो फिर वो हमारी तरफ देखेगा नहीं, वो हमसे रूठ जाएगा। और जो खिलाता है हमें, जो हमारे लिए जीता है, उसके लिए तो हमें समय निकालना ही होगा। कोई जरूरत नहीं एक घंटा घर में बैठने की, समय बर्बाद करने की भजन करते हुए, केवल 5 मिनट ईमानदारी से भगवान के लिए निकाल लो और उस 5 मिनट में आप भगवान के हो जाओ और भगवान को अपना बना लो, बस उसी 5 मिनट में पूरे दिन भर का कोटा आप पूरा कर सकते हो, बशर्त ये है आप पे भक्ति में ईमानदारी होना चाहिए। नहीं तो बैठे 2 घंटा माला लेकर के, बताएं हम कैसे बैठते हैं, माला हाथ में ले लेती है घर की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, और भगवान के कक्ष में बैठ करके माला हाथ में लेकर के इस प्रकार से सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखी राम ताई विधि धरिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखी राम ताई विधि धरिए। अरे बेटा देख फोन की घंटी कब से बज रही है, जरा उठा ले तो, किसका है पता नहीं, जरूरी कॉल होगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखी राम ताई विधि धरिए। अरे दाल जलने की खुशबू आ रही है, गैस बंद कर दे बहुरानी, पानी सूख गया है कुकर में। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखी राम ताई विधि धरिए। बच्चों की बस आ जाएगी, बच्चों के जाने का समय हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, टिफिन तैयार हुआ या नहीं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखी राम ताई विधि धरिए, सीताराम सीताराम। अरे बंटू कब से रो रहा है, लाओ उसे मेरे पास ले आओ, मैं भगवान के कमरे में बैठी हूँ। लाला कब से रो रहा है, लाओ इधर लाओ मेरे पास। और लाला को भी हम गोद में बिठा लिया, क्यों रो रहा है, परेशान कर रहा है सबको घर में, चल यहाँ पर बैठ, देख मैं कैसे भगवान की माला जप रही हूँ, देख देख मैं कैसे परमात्मा का नाम ले रही हूँ, देखो देखो देखो। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राम ताई विधि धरिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राम ताई विधि धरिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ऐसी भक्ति, ऐसा जाप, ऐसी श्रद्धा, ऐसा भजन अगर आपने 10 साल भी किया तो भगवान क्या, भगवान के पिताजी भी आपकी रक्षा के लिए नहीं आ सकते, आपके उत्थान के लिए नहीं आ सकते। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आई राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, ताली बजाकर राधे राधे, ताली बजाकर राधे राधे, हाथ उठाकर राधे राधे, हाथ उठाकर राधे राधे, भाव से बोलो आकाश से बोलो राधे राधे, धरती से बोलो राधे राधे, नेताओं से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, माता से बोलो राधे राधे, पिता से बोलो राधे राधे, भाई से बोलो राधे राधे, बहन से बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे,
राधे 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 करते हैं और ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। दोनों हाथ उठा करके राधा रानी का जय जयकार करना है। बोलिए राधा रमण सरकार की। अब जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं उठाए उनके लिए बात बताती हूं। आपको मालूम है हाथ क्यों उठाए जाते हैं? कभी बताया किसी ने, किसी कथावाचक ने आपको, कि कथा में हाथ उठा करके ठाकुर जी के नाम का जय जयकार क्यों किया जाता है? इसके पीछे कारण है, साइंटिफिक कारण भी और ऐसा मनोवैज्ञानिक कारण और संस्कार भी है। जिस प्रकार अगर कोई चोर चोरी करके पकड़ा जाए तो पुलिस वाले आकर के कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहते हैंड्स अप, तो दोनों हाथ चोर और डाकुओं के ऊपर हो जाते हैं। बराबर, हैंड्स अप का मतलब है समर्पित, हैंड्स अप का मतलब है मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। बराबर, सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? हैंडल वाले से सही है ना? दोनों हाथ ऊपर उठा करके वो कहता है हाँ जी यस आई एम सरेंडर, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर। तो दोनों हाथ जब हम परमात्मा के आगे उठाते हैं तो हम ये कहते हैं परमात्मा से कि अब हम तेरे द्वार पर आए हैं अपने आप को समर्पित करने, हमारी भक्ति के पुष्प को समर्पित करने। दोनों हाथ हमारे ठाकुर जी तेरे श्री चरणों का अभिवादन कर रहे हैं। हमारे हाथ में भाग्य की रेखा भी है और दुर्भाग्य की भी है। बराबर, ये हमारा हाथ है। अब इस हाथ में जो ये ऊपर वाली रेखा है, तो ये ऊपर वाली रेखा जो है ये मस्तिष्क की रेखा है, ये जो रेखा है ये हृदय की रेखा है, और ये जो लंबी रेखा है ये हमारी उम्र की, हमारी आयु की रेखा है, और ये जो नीचे आड़ी आड़ी रेखाएं हैं ना आपके हाथ में, इसको मणिबंद कहते हैं, जो हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। और जो भाग्य की रेखा होती है वो सीधी जाती है, जा रही है सीधी, ये भाग्य की रेखा है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की रेखा भी परमात्मा ने हमारे हाथ में बनाई है। तो जब हम हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हैं, परमात्मा के नाम का जय जयकार करते हैं, तो हम ये भावना व्यक्त करते हैं कि हे ठाकुर जी तेरे आगे हम समर्पित हो गए हैं, हमारे जीवन में अगर कोई दुर्भाग्य आया हो भूल से भी तो तू अपनी नजर हमारे हाथों पर डालना, दृष्टि गोचर करना, और हमारे हाथ से उस दुर्भाग्य की रेखा को हमेशा के लिए मिटा देना। इसीलिए हम जब जब कथा में जय जयकार करते हैं तो दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी के आगे वंदन करते हैं, ताकि ठाकुर जी ऊपर से हमारे हाथ पर दृष्टि गोचर डाले और हमारे जीवन का उद्धार कर दे। जब आप वहां पर जाते हो तो आपने एक आश्चर्य देखा होगा कि बद्रीनाथ में आज भी माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो मंदिर से बाहर है, और नारायण बद्री विशाल मंदिर के अंदर अकेले बैठे हैं। बराबर है, सही बात है या गलत बात है? क्यों ऐसा क्यों है? माँ लक्ष्मी मंदिर के बाहर बैठी हैं और नारायण अंदर बैठे हैं, जो जाए बद्री उसकी सब काया सुधरी, ऐसा बोलते हैं। बद्री विशाल के दर्शन से, परमात्मा की तपस्थली भूमि का दर्शन से सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बद्री विशाल के दर्शन को जरूर जाना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में भी पंढरपुर जो है वहां पर भी भगवान पंढरीनाथ अकेले हैं और देवी रुक्मिणी मंदिर के बाहर है।
आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भी जाओगे तो वहां भी कुछ ऐसा ही दर्शन आपको होगा। हर तीर्थ में परमात्मा अकेला बैठा है, क्यों? क्योंकि वो भक्तों का ध्यान कर रहा है। परमात्मा ये कह रहे हैं कि जब आप मेरा ध्यान करो तो आप संसार को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके पति को, सबको 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भूल जाओ कि कोई आपका है और केवल मेरे ही नाम में आप रम जाओ। मतलब मैं आपका हो जाऊं और आप मेरे हो जाओ। जब भगवान नारायण भक्तों का ध्यान करते हैं तो देवी लक्ष्मी को उन्होंने बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि बार बार ये भी विघ्न डालेगी कि आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल अपने भक्तों के भजन में ही लगे हुए हो, भक्तों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए वो विघ्न ना आए इसलिए उनको पहले ही बाहर कर दिया। बोले आप बाहर बैठो, जब तक मैं अपने भक्तों से मिल ना लूं तब तक आप अंदर नहीं आना। वो दिन है और आज का दिन है, देवी लक्ष्मी बाहर बैठे। तो देवी लक्ष्मी ने सोचा कि मैं बाहर बैठी हूँ, ठाकुर जी तो मुझे याद ही नहीं कर रहे, उनके भक्तों में ही रमे हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाऊं। तो देवी ने कहा, देवी ने विचार किया, मैं भी देखती हूँ कि नारायण के जो भक्त है वो संपन्न होते हैं या जो लक्ष्मी के उपासक है वो संपन्न होते हैं। तो माँ ने भी अपनी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाने के लिए अपने प्रयोजन से सबके मन को जीतना शुरू कर दिया। बोले लक्ष्मी के बिना संसार नहीं चल सकता, नारायण कह रहे हैं कि भक्ति के बिना संसार नहीं चल सकता। आखिरकार लक्ष्मी को हार माननी पड़ी, क्यों? क्योंकि जो नारायण का उपासक है, जो हरि का उपासक है, उसे लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे भागती है। क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी एक मिनट नहीं रह सकती, और जहां लक्ष्मी नारायण दोनों रहते हैं वहां पर संसार का हर सुख रहता है। आज सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे मेरे नारायण ने 24 अवतार धारण किए। आज सभी 88,000 ऋषि उन सभी अवतारों को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं नमः पंकज लाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगय। इसका मतलब है जन्म दुख जरा दुख जाया दुख पुनः पुनः ताकाल महादुख तस्मात जागृति जागृति। ये संसार दुख से भरा है, ये जीवन दुख से भरा है, पत्नी भी दुखमय है, पति भी दुखमय है, पूरा संसार दुखमय है। इसीलिए हे मानव जागो जागो जागो, तस्मात जागृति जागृति, और पंकज नाभाय को नमस्कार करो और कर्म को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में सबसे पहला अवतार जो है वो सनत कुमार का है, दूसरा अवतार वरा नारायण का है, तीसरा अवतार देवऋषि नारद जी का है, चौथा अवतार नर नारायण का है, पांचवा अवतार कपिल मुनि का है और छठवा अवतार भगवान दत्तात्रेय का है। सातवें अवतार में यज्ञ का रूप लिया, आठवें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जिन ऋषभ देव जी के कारण, जिनके पुत्र के कारण हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा, और यही ऋषभ देव जी के उपासक बने जैन धर्म, यहीं से जैन धर्म की भी स्थापना हुई जो श्वेतांबर कहे गए, दिगंबर कहे गए। उसके बाद नौवें अवतार में पृथ्वी राजा बनकर के आए, जिन्होंने पृथ्वी के 7 भाग किए, 7 खंड में पृथ्वी को बांट दिया। दसवें अवतार में मत्स्य नारायण बनकर के आए, 11वें अवतार में कछुए का रूप लेकर के आए और मंदिराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, 12वें अवतार में धन्वंतरी बनकर के आए, 13वें अवतार में मोहिनी नारायण का रूप लिया, देवताओं को अमृत पिलाया और 14वें रूप में नरसिंह नारायण का रूप लिया। उसके पश्चात 15वें रूप में वामन बनकर के आए और 16वें रूप में परशुराम बनकर के आए और पूरी पृथ्वी को विजयी बनाया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया। 17वें अवतार में व्यास नारायण का रूप लेकर के आए और 18वें अवतार में राम बनकर के आए, कृष्ण बनकर के आए, बलराम बनकर के आए, और कृष्ण कलयुग में किसके यहाँ आएंगे, किस रूप में आएंगे, मगध देश में जिसको हम बिहार कहते हैं,
जहाँ पर देवताओं के द्वेषी दानवों को मोहित करके अजर के पुत्र रूप में परमात्मा बुद्ध रूप में आए, और कलयुग का जब अंत होगा तब परमात्मा यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप लेकर के पधारेंगे और कल्कि रूप से कलयुग का अंत करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना इस संसार में करके सब जीवों का उद्धार करेंगे, पृथ्वी का उद्धार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्ण कृष्ण।